हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस महीने में ग्रहण लगने वाला है अप्रैल के महीने में। तो ऐसे में आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आज ग्रहण है, कल ग्रहण है। बहुत से फेक चैनल्स बन गए हैं और बहुत सी फेक वीडियोस आप देखते होंगे। तो ऐसे में आप प्रेग्नेंट हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब भी ग्रहण होगा तो आपको अपडेट कर दूंगी, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आपको सही समय में सही जानकारी मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रहण कब है, ताकि आप सही समय में ग्रहण के नियमों का पालन करें, पूरी सावधानी रखें, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है, इसलिए ग्रहण को कभी भी हल्के में ना लें। चलिए जानते हैं कि ग्रहण कब लगने वाला है, क्या समय होगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियाँ रखनी है और भारत में ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, अप्रैल का महीना बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसी से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी होती है। वहीं हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र भी इसे कहा जाता है, जो मार्च अप्रैल के बीच में पड़ता है। लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में साल 2023 का पहला ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण वैशाख मास की अमावस्या तिथि को लगेगा। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण 20 अप्रैल को लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि साल के पहले सूर्य ग्रहण को कहां कहां देखा जा सकेगा और सूत्र की टाइमिंग क्या होगी, सबके बारे में हम जानते हैं। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 तक ये ग्रहण रहेगा। देखिए, ये जो टाइमिंग है इसमें पूरी तरह से सूर्य जो है आपको दिखाई देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रहण की जो टाइमिंग होती है उसमें जो जैसे अगर चंद्र ग्रहण है तो उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो ग्रहण बताया जाता है। और कई बार क्या होता है कि सूर्य ग्रहण होता है लेकिन सूर्य उस समय दिन का समय नहीं होता है, रात का समय होता है और सूर्य ग्रहण बताया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि ग्रहण के नियमों का पालन करें या नहीं करें। लेकिन ये जो टाइमिंग है, जैसे सुबह 7:04 में ग्रहण शुरू हो रहा है और दोपहर 12:29 में ग्रहण की जो है वो समाप्ति हो रही है, ऐसे में सूर्य पूरी तरह से दिखाई देगा। ये जो है दिन का समय है, रात का नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना है, क्योंकि पृथ्वी एक है, सूर्य एक है और चंद्रमा एक है, और जब ग्रहण लगता है पूरी पृथ्वी पर इसका असर होता है। तो ऐसे में आपको ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करना है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल को भी अशुभ समय माना जाता है और इस समय में कई नियमों का पालन करना होता है। लेकिन सूतक काल इस जगह का जो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है। इस 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सूतक काल के नियमों का आपको पालन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक काल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के नियमों का आपको पालन जरूर करना है, चाहे ये ग्रहण भारत में दिखे या फिर नहीं दिखे, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रहण लग रहा है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे नियमों का पालन कर लेंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, टाइमिंग भी बहुत कम है। क्योंकि आजकल हम वैसे भी जो सुबह का ब्रेकफास्ट है जो हम लेट करते हैं, तो ऐसे में आप अगर 7 से पहले ही चाय अपनी पी लें तो उसके बाद आप 12:29 के बाद ही खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के जो नियम हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, सिलाई बुनाई सब कर सकती हैं, से बाहर भी जा सकती हैं, खाना पानी सब कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कहां देखा जा सकेगा ये सूर्य ग्रहण। देखिए, 20 अप्रैल 2023 को लगने वाला सूर्य ग्रहण प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में देखा जाएगा। भारत में ये नजर नहीं आएगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण को धार्मिक रूप से अशुभ घटना माना जाता है, जिसका तमाम राशियों पर भी असर पड़ता है। फिर चाहे ये भारत में दिखे या नहीं दिखे, पूरी पृथ्वी पर इसका असर होता है। तो और अब बात करते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये होता क्या है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक समय ऐसा भी आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऐसे में सूर्य की रोशनी चंद्रमा के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऐसा हमेशा अमावस्या को ही होता है।
तो ऐसे में अब आपका सबसे बड़ा यही क्वेश्चन होता है कि गर्भवती महिलाएं जो कि भारत में रहने वाली हैं, भारत में ग्रहण नहीं लग रहा है, तो ग्रहण के नियमों का पालन क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, छोटे मोटे नियमों का ही आपको पालन करना है। अगर आप इस समय भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं तो आप खाना भी खा सकती हैं, बल्कि उसमें तुलसी के पत्ते आप डाल के खाना खा सकती हैं, क्योंकि ग्रहण का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको छोटे मोटे नियम पालन करने हैं, जैसे ग्रहण के समय आप घर से बाहर ना निकलें, और उसके बाद जो नुकीली चीज़ें हैं जैसे कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, गैस जलाने वाले आपको काम नहीं करने हैं। इस समय आपको गाली गलौज जो है, किसी के बारे में बुरा सोचना, नेगेटिव बातें करनी, वो चीजें आपको नहीं करनी है। और इस समय आप जितना भगवान के बारे में जो है स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही रहेगा। और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि अपने पास एक नारियल ज़रूर रखें, और साथ ही अपने गले में तुलसी की माला अगर डाल सकती हैं तो वो भी डाल दें, ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप तक नहीं पहुँचे। आप धार्मिक पुस्तक भी अपने पास रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, इससे ग्रहण का प्रभाव आप तक नहीं पड़ता है और आपके गर्भ में पल रहे बच्चा भी जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वह जो भी खा रही हैं, जो भी पी रही हैं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने जिस रूम में बैठी हैं उस रूम में आपको आगे कर्टेंस कर देने हैं, ताकि पूरी रोशनी उन तक किसी भी तरह ना पहुंचे, ताकि वह ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बची रहे। और जैसे ही ग्रहण की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद आप नहा धोकर पूजा पाठ कर लें और घर की साफ सफाई भी कर लें और अपने नए वस्त्र पहन लें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप तक नहीं पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।